Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, we are going to talk about unit number 5, citizenship. And the subtopic is for all to use. Today we are going to discuss the chapter reading. Citizenship. Citizenship means shahriyat. For all to use, tamam logon ke istemal ki cheeze ya wo suhuliyat jo tamam log use karte hain. Your house is on a street. आपका घर एक गली में है. The people who live near your house are your neighbors. Neighbors पड़ोसी. जो लोग आपके घर के करीब रहते हैं आपके पड़ोसी हैं. All the people living in one place form a community. जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Community बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं. Community means ग्रुप बनाते हैं. द कम्युनिटी कैन बी विलेज, अ टाउन और अ सिटी. कम्युनिटी की टाइप्स हैं, जहाँ कम लोग होते हैं विलेज, टाउन, सिटीज. ग्रो के मुख्तलिफ हो सकते हैं, गाँव में भी हो सकते हैं, शहर में. द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स सिटीजन्स. सिटीजन्स मीन शहरी. जो लोग एक मुल्क में रहते हैं वो इस मुल्क के शहरी होते हैं. वी आर पाकिस्तानी सिटीजन्स. हम पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं. Every community has things which are shared by all the people. और हर community के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तमाम लोग शेयर करते हैं. The house in which you live may be your own. जिस घर में आप लोग रहते हैं वो बेशक आपका है, but the street is not. लेकिन जो गली है, जो street हम share करते हैं, street है वो हमारी नहीं है. You share the street with the other people. आप गली दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं. As a citizen of your village, town or city, you share that place with other people in it. और आप किसी भी मुल्क के शहरी होने के नाते आप वहाँ पर विलेज में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती हैं. You share many things too. और आप भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं. Sharing these things means that we must also share the responsibility for them. सिर्फ चीज़ें शेयर नहीं करनी बल्कि हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेदारियाँ भी शेयर करनी है. सिटीजन इन्वॉल्व पीपल एक्टिंग टुगेदर टू एड्रेस इश्यूज एंड इम्प्रूव सोसाइटी. सिटीजन्स क्या करते हैं कि वो जितने भी वहाँ पर इश्यूज होते हैं उन समाजरे के अंदर उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं. हेयर आर समथिंग वी शेयर विद अदर्स. यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है जो चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. लाइक स्कूल्स सब किसी के लिए, एक स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं स्कूल होता, बल्कि स्कूल में तमाम उस एरिया के लोग आ रहे होते हैं. स्ट्रीट है तो स्ट्रीट भी किसी एक फर्द के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ उस एरिया के तमाम लोग उस स्ट्रीट को यूज़ करते हैं. लाइक शॉप्स, दुकान है तो दुकान के लिए भी कोई एक स्पेसिफिक बंदा यूज़ नहीं करता, बल्कि डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पर बाकी लिस्ट है जो कि आपने गो थ्रू करनी है. Some of these things are for all of us to use. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम तमाम यूज़ करते हैं. They are called services. और इन चीज़ों को जो हम मिल के सब लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं services, खिदमत. Some like the air are free. और लेकिन जैसे कि हवा जो फ्री है. Services can be private और public. Services private भी हो सकती हैं और public भी. प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन. प्राइवेट का मतलब है कि वो चीज़ जो किसी एक फर्द की है. पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन. पब्लिक मीन्स कि वो चीज़ उस माशरे में रहने वाले या उस शहर में लोग, शहर में रहने वाले तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं. सम पीपल आर पेड टू क्लीन द स्ट्रीट. कुछ स्ट्रीट्स गलियाँ, कुछ लोगों को इस बात का मुआवजा दिया जाता है कि वो अपनी गलियाँ साफ करें. और टू रिपेयर टेलीफोन लाइन्स. और कुछ लोग जो हैं वो टेलीफोन लाइंस रिपेयर करते हैं. फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी बिजली. और कुछ लोग जो हैं वो बिजली के हमें कोई भी मसला होता है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं. ऑटो डिलीवर मेल टू पीपल्स हाउस. और कुछ लोग जो हैं वो घरों में खत या मेल जो भी हमारी होती हैं वो तकसीम करते हैं. डिलीवर तकसीम करना. द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस एंड फायर फाइटर आर पेड टू पुट आउट फायर. जो पुलिस है उसको काम क्या है कि वो हमारी हिफाजत करती है. फायर फाइटर्स का काम क्या है कि अगर कहीं भी आग लग जाती है तो वो उस आग को बुझाने में मदद करते हैं. हाउ आर दे पेड. अब क्वेश्चन ये है कि उनको पे कैसे किया जाता है. एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी. हर माशरे में
एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी हैज़ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। हर कम्युनिटी के अंदर हर शख्स को जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट होती है, टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अ हाउस ओनर पे अ हाउस टैक्स, जो घर का मालिक है वो घर का टैक्स देगा। अ कार ओनर पे अ रोड टैक्स, जो कार का ओनर है वो रोड का टैक्स देगा। पीपल आल्सो पे इनकम टैक्स, लोगों की जो आमदनी है वो उसका टैक्स देते हैं। मैनी कलेक्टेड मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस यूज बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन। और वो रकम जो टैक्सेस के ज़रिए कलेक्ट की जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके लिए यूज़ करती है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। वी कैन नॉट ऑल मेक द रूल्स सो वी हैव एन इलेक्शन। हम अकेले रूल्स नहीं बना सकते बल्कि हमें उसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत होती है। वी वोट एंड चूज पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस। हम वोट देते हैं और लोगों को चूज़ करते हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। दीज पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। द मेम्बर ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड। और जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स पे करना है और कौन सी सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करेंगे। दे गेट पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी, और वो लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां भी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट डे पे आए की तरफ, जो कि है मैथ्स। आज डेट है 16 मई और डे है सैटरडे। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 7 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हम पेज नंबर 183 और 184 आज करेंगे, जिसपे सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले आपके पास पॉइंट है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद लाइन सेगमेंट है, उसके बाद रे है। पहले हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो मीन होता है अर्थ और मेट्री मीन होता है मेजरमेंट, यानी कि जमीन की पैमाइश करना। पॉइंट, सबसे पहले आपके पास पॉइंट, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज बेसिकली अ डॉट। पॉइंट बेसिकली डॉट होता है, इट हैज नो शेप, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, नो साइज एंड ब्रेथ, और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। डॉट और पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अ पॉइंट इज ऑलवेज डोनेटेड बाय अ कैपिटल लेटर। पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डोनेट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आप जब भी अपना रिटर्न फॉर्म में कोई भी काम करते हैं, आप अगर कहीं पे फुल स्टॉप मेंशन करते हैं, उसके बाद आप अपना अगला जो भी वर्ड लिखते हैं वो आप कैपिटल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी। उसके बाद आपके पास लाइन। लाइन क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन होती है। इट मे बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, ये दोनों साइड से इंक्रीज हो सकती है या कि बढ़ सकती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद ये इंक्रीज हो रही है, इट हैज नो एंड। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है आपका, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट आपका लाइन का एक हिस्सा होता है, इट हैज टू एंडिंग पॉइंट्स, इसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, इट इज मेजरेबल, आप इसकी पैमाइश कर सकते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपके पास लाइन होती है तो आप उसको जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। उसी लाइन में से अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करके दें, तो आप अपने पैमाने से यानी कि अपने रूलर से उसकी पैमाइश करके देंगे, तो यानी कि वो मेजरेबल होती है, जो आप मेजरेबल करके अपने टीचर को देंगे। और ये आपकी एक्सरसाइजेस में आपको गिवन है क्वेश्चन, जो आपने मेजर करनी है लाइन्स। अब रे क्या है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन का एक हिस्सा है, दैट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड होती है यानी कि बढ़ती है, इसका रे, उसको रे कहते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ए है और इसकी इस साइड पे स्टॉप है और दूसरी साइड से ये एक्सीड हो रही है, इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट डी आपको नजर आ रहा है, इसके ये साइड स्टॉप है और दूसरी साइड से ये एक्सीड हो रही है, यानी कि आपको एक सर्कल गिवन हो और उसके मिड में आपको पॉइंट दे दिया गया हो और आपको कह दिया गया हो कि इसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड पे लाइन को एक्सीड करके दिखाएं। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होगा है, और आपने इसको 2 से 3 मिनट पर प्रैक्टिस करना है, याद करनी है ये डेफिनेशंस, एंड अल्लाह हाफिज़।